फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ कि अपनी लॉन्ग राइड की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे भी हमारे 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो ये अभी लॉक कर दिया है आपने अपने लॉन्ग। एंड अगर इसको रिलीज करना होगा तो और राइट जी, सो अपना लग चुका है क्रूज कंट्रोल। एंड एक वीक से मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ एंड बहुत ही हल्का हल्का सा एंड सुकून वाला फीलिंग होता है। एंड आपको, आप लोगों में से भी बहुत लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते होंगे, सो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिएगा। इट्स राइट नाउ इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आज हमें जाना है क्रूज कंट्रोल अपने बाइक पे इंस्टॉल करने के लिए। उससे पहले वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठानेकर सागर ब्लॉग। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि क्रूज कंट्रोल आपको भी पता है कि बड़ी बड़ी बाइक्स में आता है, जैसे ट्रैम टाइगर हो गया है 800 एंड 900, BMW 1250 में तो आ जाता है, 750 या 850 में आता है या नहीं आई डोंट नो, 1250 में मैंने देखा है। एंड ऐसे बड़ी बड़ी सेगमेंट की बाइक्स में क्रूज़ कंट्रोल होता है, मगर छोटी बाइक के लिए फर्स्ट टाइम क्रूज़ कंट्रोल बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, इट्स अ मैनुअल, बट बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, हम लोग लॉन्ग राइड तो करने वाले ही हैं, सो एक बार क्रूज़ कंट्रोल भी इंस्टॉल कर ले एंड देख ले कि कैसा परफॉर्मेंस है। सो उसका जो रिव्यू होगा कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, वो तो मैं लॉन्ग राइड में शेयर करूँगा। साथ ही साथ अभी मुझे निकलना है ठाणे में, ठाणे में एक छोटा सा फंक्शन है वो अटेंड करना है एंड उसके बाद हमें निकलना है गोरेगांव की तरफ। सो मिलता हूँ आपको डायरेक्टली ऑन अ बाइक। सो 2:45 इन द आफ्टरनून एंड हम लोग जा रहे हैं अभी गोरेगांव। गोरेगांव किस लिए जा रहे हैं वो जाने के बाद ही आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ कि अपनी लॉन्ग राइड की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है एंड ये जो लॉन्ग राइड होने वाली है, फर्स्ट टाइम मैं उस प्लेस पे जा रहा हूँ एंड बहुत ही बड़े बड़े डिस्टेंसेस है जो कवर करने हैं। पूरे एक हफ्ते की लॉन्ग राइड होने वाली है। कहाँ पे जाने वाले हैं एंड क्या क्या करने वाले हैं वो वीडियो में तो देखने मिलेगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो इंस्टाग्राम प्रमोशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको भी पता है इंस्टाग्राम पे भी हमारे 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, 996 राइट नाउ। सो 1000 वहाँ पे भी कर दीजिएगा एंड यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये बहुत, 1 month के बाद मोटो ब्लॉग करने का फील ही अलग है एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव द मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। थोड़ा कैमरा एंगल भी इस टाइम हम लोग चेंज करेंगे, अच्छे अच्छे कैमरा एंगल मैंने सोचे हैं, उस हिसाब से कुछ एक्सेसरीज ऑर्डर की है एंड साथ ही साथ कुछ बी रोल वाले शॉर्ट्स भी होंगे। जो अपना हेलमेट है मोटो ब्लॉगिंग वाला, वो गया है कुछ स्पेशल एडिशन करने के लिए, सो उस पर भी वर्क चालू है बिहाइंड द सीन, उसका भी एक वीडियो आएगा ज़रूर। सो बहुत सी तगड़ी वाली प्लानिंग की है एंड देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस डिलीवर होने वाले हैं। एंड साथ ही साथ वो जो हेलमेट होने वाला है, भाई साहब बहुत बहुत मज़ा आएगा वीडियो और फोटोग्राफी में। गाइस, सो फाइनली वी आर हियर एट गोरेगांव एंड हम लोग यहाँ आए हैं क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करने के लिए अपने बाइक में। सो सलमान भाई से मैंने कांटेक्ट किया एंड पूछा कि कैसा ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट है। सो सलमान भाई, थोड़े आपके प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं। फुल्ली 1 piece एल्यूमिनियम बिल्ड और ये क्रूज ऑन के लिए है, अटकता नहीं, एक तो मेन जो पॉइंट है ये अटकता नहीं है। जैसा दूसरे क्रूज कंट्रोल होते हैं मार्केट में, ये उसकी तरह नहीं, द मोमेंट यू लीव आउट द थ्रॉटल वो आउट हो जाएगा, वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। ओके, तो उसके बाद वापस अगर क्रूज ऑन क्रूज कंट्रोल में जाना है आपको, तो यू हैव टू टाइटन द नट
ओके सो एक एक डेमो भी हो जाए जरा. तो ये अभी लॉक कर दिया आपने. एंड अगर इसको रिलीज करना होगा तो रिलीज. ओके सो ये पूरा गेम यहाँ पे ही है. हाँ बस ये टोटल किए इसका कोई इंटरेक्शन नहीं साथ में. ये लूज है और पूरा पूरा अगर नहीं करना है क्रूज ऑन इस लिमिट ओवर है. ओके फिर आपका नॉर्मल बॉटल है. और आपको फिर से क्रूज कंट्रोल करना है तो पहले स्पीड चेंज करो. टाइटन अप योर क्रूज कंट्रोल. क्रूज हो जाएगा एंड लीव करना है तो जस्ट. सो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म यूज़ किया गया है. सो इसका जो रिव्यू है वो मैं बताऊंगा जो लॉन्ग राइड होने वाली है. तो मैंने सलमान भाई को बताया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ. अगर मैं वो लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो इसका कितना फ़ायदा मुझे होगा? मेजॉरिटी 80% आपको हाईवे पे फायदा ही रहेगा. एंड एक हाथ आपका फ्री रहेगा. एक साइड आपको खाली कंट्रोल करना है. ये हाथ सिर्फ आपका रेस्ट ही करेगा. यू हैव टू टोटल को पकड़ के रखना है. राइट बिकॉज थिंक इज दैट कि जो राइड होने वाला है वो एक दिन में नहीं कम से कम लोग 700-800 किलोमीटर पर डे होने वाली है. सो आप भी गेस कर दीजिए कमेंट सेक्शन में भी कहाँ जाने वाले हैं. सो इसके जो इंस्टॉलेशन है उसके कुछ सिनेमेटिक शॉट ये रहे. इंस्टाग्राम पेज भी है रॉ परफॉर्मेंस करके. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो जरूर चेकआउट कर दीजिएगा. एंड एप्लीकेबल सारी मोटरसाइकिल को है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल नहीं है. ओके वेदर इट जो भी ले लो आप हिमालयन ले लो. हिमालयन के लिए भी डोमिनार के लिए भी जीएस के लिए भी है. विच एवर मोटरसाइकिल यू हैव इन कॉन्टैक्ट मी. ओके एंड एक मेरा क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कि ये BS4 वर्जन है. सो BS6 के लिए भी ये लग जाता है राइट? सेम मैकेनिज्म है. कोई चेंजेस नहीं बिकॉज उसका वायर बाय थ्रॉटल आता है. सो इट कैन बी फिट ऑन दैट एज वेल. ओके सो अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके इंस्टाग्राम पेज का एज वेल एज यहाँ का जो एड्रेस है विथ कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा. सो कभी भी आप आएंगे यहाँ पे तो सलमान भाई को हाय हेलो कर दीजिएगा हमारी तरफ से. एंड सलमान भाई इंस्टॉलेशन आप कर दोगे? एंड ट्राई करेंगे कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश रहेगी. लेट्स सी अगर सलमान भाई के पास से कुछ हो पाया वर्कआउट हो गया तो ज़रूर दे देंगे. सो मिलता हूँ आपको डायरेक्टली ऑन अ बाइक. चलो फिर सलमान भाई मिलेंगे फिर से. और अगर आपको कुछ भी और काम है डोंट वांट टू गो टू सर्विस सेंटर मेक अ कांटेक्ट. ओके एंड सलमान भाई आपने बताया कि आपके पास जीएस के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो गए हैं. ओके सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सलमान भाई को कांटेक्ट कर दीजिएगा. विंडशील्ड एंड और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट लाइनअप में तो यू गेट इन वेबसाइट पे सब कुछ मालूम पड़ेगा. ओके इन लाइनअप देयर आर 3 प्रोडक्ट्स दैट आर स्टिल इन लाइनअप. ओके अपकमिंग मंडे तक आ जाएगा. अच्छा ओके सो एक बार जरूर चेकआउट कर दीजिएगा उनकी वेबसाइट. सो मिलेंगे सलमान भाई वंस अगेन. थैंक यू सो मच. चलो और राइट जी. सो अपना लग चुका है क्रूज कंट्रोल एंड बहुत ही मज़े आने वाले हैं लॉन्ग राइड के लिए. अभी मुझे जाना है ठाणे क्योंकि आते वक्त मेरी मॉम को मैं छोड़ आया था ठाणे में. उनको कुछ काम था पर्सनल. देन वहाँ से मैं मॉम को पिकअप करूँगा एंड देन मैं निकलूँगा अपने घर के लिए. सो क्या करते हैं मिलते हैं डायरेक्टली आपको एट होम. राइट गाइस सो घर आते आते बज गए हैं 9:30. हल्की सी ट्रैफिक मिली एंड अभी डिनर करेंगे एंड सो जाएंगे. सो क्रूज़ कंट्रोल चेक करना था मुझे मगर वो चेक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. सो नो वरी क्रूज़ कंट्रोल हम लोग चेक करेंगे
लॉन्ग राइड जो होने वाली है जैसा मैंने कहा। सो आप कीप गेसिंग। एक छोटी सी हिंट देता हूँ कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसकी जो सिटीज़ के नाम हैं वो बहुत कलरफुल है। सो आप गेस कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल है जितने उनको बता दिया है कि ये लॉन्ग राइड कहाँ होने वाली है। स्टिल सस्पेंस खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो क्रूज़ कंट्रोल का जो रिव्यू है वो लॉन्ग राइड में शेयर करूँगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सलमान भाई का लिंक है, उनकी इंस्टाग्राम एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दैट क्रूज़ कंट्रोल फॉर योर बाइक, सो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में जाके उनसे आप ख़रीद लीजिएगा। एंड कुछ रिव्यू होएगा वो मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग राइड में। एंड बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड इसी प्यार एंड मोहब्बत बरसाए रखिएगा।